हेलो लर्नर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी ऑफ बीएससी मेनली इन जूलॉजी. ओके, जूलॉजी में जितने भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो इस सीरीज़ में हम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो पहला टॉपिक हम लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधे टॉपिक में आते हैं, पैरासाइटिक प्रोटोजोअन एंड डिसीज़. ठीक है ना, पैरासाइटिक प्रोटोजोअन और डिसीज़ ये क्या होती है, कैसे होती है, हम इसको जनरली इस टाइप के वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराने की कोशिश करूँगी. आप इस तरह आपको चीज़ें समझाऊँगी कि आप एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरह से लिख सकें और लगभग या तो पूरी तरीके से आप जितना मार्क्स है फुल में फुल पाएँ. ठीक है ना, तो पैरासाइटिक प्रोटोजोन से हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहला आता है, देखिए पैरासाइटिक प्रोटोजोन. अब आपको आंसर लिखना है तो डायरेक्ट आप जंप नहीं करेंगे पैरासाइटिक प्रोटोजोन क्या होता है. अगर आपको आंसर लिखना एग्जाम में तो आप थोड़ा तरीके से लिखिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि जो पढ़ने वाला हो, जो चेक करने वाला हो, उसको पता हो कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टॉपिक अच्छे से आता हो. ठीक है ना, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे. पैरासाइटिक प्रोटोजोन क्या है? हाँ, पैरासाइटिक प्रोटोजोन दो वर्ड से मिलकर बना है. ठीक है ना, पैरासाइटिक देन प्रोटोजोन. पहले प्रोटोजोन का मतलब सब पढ़ते हैं आप. अगर आप बीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा प्रोटोजोआ क्या है, हमने 10th में पढ़ा है प्रोटोजोआ क्या होता है. ठीक है ना, फिर भी एक बार रिवीजन करा देती हूँ. आपने एनिमल किंगडम देखा होगा, एनिमल किंगडम को इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया गया है. इन्वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उन्हें हम प्रोटोजोआ बोलते हैं. ओके, प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं उनका कैरेक्टर क्या होता है, वो एक सिंगल सेल के बने होते हैं. ठीक है, एक सिंगल सेल होता है और उनके अंदर सारे मॉडर्न सेल मतलब यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है और भी बहुत सारे जितने भी यूजफुल ऑर्गेनेल होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी और सारी चीजें जो उस एनिमल को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है. ठीक है ना, तो जैसा एक यूकैरियोटिक सेल होता है, मतलब एक मॉडर्न सेल होता है, देखिए एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है. यूकैरियोटिक मॉडर्न होता है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ठीक है ना, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है, उसके अंदर सारे माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम होता है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होता है. और प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही को बहुत सारा काम करना पड़ता है, वो उतने ज़्यादा एडवांस नहीं होता. ठीक है ना, तो प्रोटोजोआ को हम एक तरह से अगर हम चाहें तो हम एक मॉडर्न यूकैरियोट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है ना, तो प्रोटोजोआ क्या है? अ सेल दैट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस एंड बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? वेरी स्मॉल इन साइज, इनका साइज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है. ठीक है ना, और इनको नॉर्मली हम सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना भी बहुत मुश्किल होता है. इनके लिए हम या तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं. ठीक है ना, इनको नॉर्मली आप नहीं देख सकते. अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें, ठीक है ना, तो कम से कम 50,000 से ज़्यादा भी मेंबर इनके मतलब फैमिली में आते हैं. ठीक है ना, मतलब बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं हमारे एनवायरनमेंट में और हर एक प्रोटोजोआ का, हर एक ग्रुप का खुद का एक कैरेक्टर होता है. ठीक है ना, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर खुद का कुछ होता है. तो उस तरीके से मतलब प्रोटोजोआ हर जगह पाए जाते हैं लगभग. अगर आप देखोगे कि प्रोटोजोआ आप कहाँ ढूंढोगे तो आप समझ लीजिए कि आप इस धरती में कहीं भी इमेजिन करिए, आपको हर जगह प्रोटोजोआ किसी ना किसी प्रकार से मिलेगा. ठीक है ना, सबसे पहले प्रोटोजोआ को किसने डिस्कवर किया था? एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने. ठीक है ना, जनरली क्या थे ये, स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उससे सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा था. ठीक है ना, तो इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो इनको दिया जाता है. ठीक है ना, अब हम बात करते हैं. देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है, दो तरह का हो सकता है, एक कमेंसल और एक पैथोजन. ठीक है ना, सारे प्रोटोजोआ खतरनाक नहीं होते, कुछ प्रोटोजोआ नॉर्मल रहते हैं हमारे लाइफ में, लेकिन जैसे अमीबा. ठीक है, अमीबा ले लो, अमीबा क्या होता है, एक डिसीज़ कॉज करता है. लेकिन बहुत सारे जितने भी अगर आप ले लो, जैसे पैरामीशियम और भी इसलिए यूग्लीना, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोटोजोआ आपको हार्म करें. तो जो प्रोटोजोआ हार्मफुल इफेक्ट नहीं शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कमर्शियल, दे आर नॉट डेंजरस. ठीक है ना, वो डेंजर क्रिएट नहीं करते. लेकिन पैथोजेंस क्या है, अगर पैथोजेंस आपके बॉडी के अंदर चले गए तो वो डेंजरस प्रूफ हो सकते हैं. ठीक है ना, आपसे मतलब अगर प्रोटोजोआ अगर आपकी बॉडी में चले गए तो वो पैथोजन की तरह काम करते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं. ठीक है ना, तो पैथोजन, तो प्रोटोजोआ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो कमेंसल्स हो सकते हैं या तो वो पैथोजन्स हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप पैथोजन्स की बात करें, ओके, तो अगर आप पैथोजन्स की बात करें तो हमने प्रोटोजोआ की जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, या तो आपने नहीं पढ़ी है तो आगे चल के वीडियो मैं कभी बना दूंगी क्लासिफिकेशन के ऊपर भी एक वीडियो. लेकिन पैथोजन्स में जनरली अगर हम देखें तो बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उसमें से सार्को मैस्टिगो फोरा और दूसरा है एपिको
प्लेग्जा, एपिकॉर्म प्लेग्जा, ओके। तो अगर इन दो क्लासेस की बात करें तो जनरली जितने भी खतरनाक पैरासाइट, जितने भी खतरनाक प्रोटोजोआस आते हैं जो आपके बॉडी में पैथोजन की तरह काम कर सकते हैं, वो इन दो क्लासेस से आएंगे, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में किस तरह लिखेंगे, आप प्रोटोजोआ का छोटा सा डेफिनेशन लिख दीजिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स लिख दीजिए, जैसे अमीबा, अमीबा पैरामीशियम युगलीना, ठीक है ना। ऐसे करके आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाले पैरासाइट्स हैं, ठीक है, मतलब प्रोटोजोआ हैं। तो आप पहले डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी दे दीजिएगा, बता दीजिएगा एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की थी। कमेंसल्स पैथोजन दो तरह के प्रोटोजोआज होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इतना काफ़ी है, अगर आप एक छोटा सा पैराग्राफ भी इसके ऊपर लिख देंगे तो काफ़ी है, ठीक है ना। जनरली हमको हर टॉपिक की तैयारी इस तरह करनी है कि आप 5 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यार ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट लगा तो हम मान लो 2-3 नंबर एक दो लाइन हम इसके बारे में पढ़ लिए। आपको पूरी तरीके से इस तरह तैयारी करनी है कि अगर आपके सामने 6 नंबर का उस वही क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से उसको हम लिख सकते हैं, ऐसे की तरह आपको लिखना है, ठीक है ना, एक निबंध की तरह। उसके बारे में हर चीज़ बताएंगे आप। अब बात करते हैं व्हाट इज पैरासाइट, पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट हम जानते हैं बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, जस्ट लाइक ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करेंगे, या तो वो पैरासाइट हो सकते हैं, या तो वो नॉर्मली प्रे या प्रीडेटर की रिलेशनशिप हो सकता है। तो पैरासाइट क्या होता है, ठीक है ना। पैरासाइट, अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट फूड और शेल्टर और इन अ अदर ऑर्गेनिज्म बट डजेंट गिव एनीथिंग टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ होस्ट। पैरासाइट मान लो बिन बुलाए मेहमान जिनका कोई काम नहीं है आपकी बॉडी में, ठीक है ना, बस वो आपके खून चूसने के लिए आपके बॉडी के अंदर जाते हैं। कैसे? एक पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो आपकी बॉडी के अंदर घुस जाता है, आपकी या तो किसी भी अदर के अंदर घुस जाता है बॉडी में, और फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बॉडी का हर एक चीज़ यूज़ करता है जो उसके काम का हो। कुछ पैरासाइट आपके बॉडी का ब्लड लेना चाहते हैं, कुछ पैरासाइट आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो भी जो टी सेल बी सेल जो इम्यून सेल्स होते हैं, इम्यून प्रोवाइड करने वाले सेल्स जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, उनको खाते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बॉडी का स्किन खाते हैं, मतलब अलग अलग पैरासाइट्स के अलग अलग डिमांड होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए जनरली आप ये समझ लीजिए कि पैरासाइट वो होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर के आपके बॉडी के पार्ट का कुछ ना कुछ, आपके बॉडी का कुछ ना कुछ वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं देते, वो सिर्फ यूज़ करते हैं लेकिन आपके सर्वाइवल के लिए वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना। तो पैरासाइट उन्हें बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर है, आपके बॉडी को यूज़ कर रहा है वो, लेकिन आपको बदले में वो कुछ दे भी रहा है जिससे आपके सर्वाइवल में सर्वाइवल थोड़ा आसान हो गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पैरासाइट नहीं बोलेंगे, उसे हम सिम्बायोटिक बोलेंगे, सिम्बायोन्स बोलेंगे, ठीक है ना। सिम्बायोन्स से क्या होता है, सिम्बायोन्स मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरासाइट क्या होता है, एक पैरासाइट किसी की बॉडी में चला गया, अब वो उसकी बॉडी के रह के उसकी बॉडी को अंदर ही अंदर खा रहा है लेकिन उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पैरासाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं जनरली आपका ये क्वेश्चन किससे फोकस है, पैरासाइट्स, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एंड डिसीज़, ठीक है ना। हमें फोकस करना है, हमें उन प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाई करनी है जो पैरास जो आपकी बॉडी में डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में अगर आपसे इस बार क्वेश्चन पूछाएगा तो कम से कम 5 अगर आप पैरासाइटिक डिसीज़ लेके चलें तो काफ़ी होगा, ठीक है ना। तो हम 5 डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ स्पेशल है कि मैम इस पैरासाइट के ऊपर आप वीडियो बनाएंगे तब मैं उसके ऊपर भी बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने खुद से 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआज को देखा है, मतलब फाइंड करके रखा है, अच्छे से रिसर्च किए मैंने, तो मुझे ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है ना। सबसे पहले आता है अमीबियासिस, ओके। ये आपके नाम से पता चल रहा है कि अमीबा की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, ओके। किसकी वजह से हो रहा है, अमीबा की वजह से। ये हो कौन सा, इसका अगर आपसे बोलना है कि ये एक तरह का डिसीज़ है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये किस पैरासाइट की वजह से हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे, नाम लिख लीजिएगा, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका, ओके, एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। अभी अगर ये देखिए, ये बीमारी का नाम है और इस वजह से होता है बीमारी, ठीक है ना। ये एक पैरासाइट है, ठीक है, सॉरी ये एक प्रोटोजोआ है और इसकी वजह से ये वाला बीमारी होती है। और अगर ये बीमारी होती तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, अल्सर, अल्सर इन कोलोन। कोलोन क्या होता है, कोलोन आपके इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, वहाँ पे अल्सर हो जाएगा, मतलब छाले जैसा पड़ जाएगा। तो पहला बीमारी ये है अमीबियासिस। अगर हम दूसरे बीमारी की बात करें तो डायरिया, ओके, डायरिया। डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज, हम सबने डायरिया का नाम सुना, लेकिन डायरिया होता किसकी वजह से है, डायरिया होता है जियार्डिया लैम्ब्लिया, ओके,
जियार्डिया लैम्ब्लिया नाम का एक पैरा प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से आपको ये डायरिया की बीमारी होती है। अगर आपको डायरिया होता है तो आप होता क्या है, लूज बॉवल, बॉवल या स्टूल या तो फीसीज या फीकल मटेरियल कुछ भी बोल लीजिए, एक ही बात है। बॉवल मतलब जो आप खाना खाने के बाद जो आप एक्सक्रेटरी मटेरियल रिलीज करते हैं उसे हम बॉवल बोलते हैं, जिसको हम या तो फिर फीकल फीसीज भी बोल सकते हो, फीकल मटेरियल बोल सकते हो, या तो सिंपली स्टूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सब एक ही चीज़ का नाम है, ओके। तो ये एक बीमारी का नाम है, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और जब ये होता है तो आपको ये प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लूज, मतलब टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज फीकल मटेरियल निकलता है, ठीक है ना। डायरिया जानते हो सब लोग, लूज मोशन जिसको बोलते हैं, कंटिन्यूसली आप जाते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरिया। अब बात करते हैं ट्रिप्नोसोमियासिस। ट्रिप्नोसोमियासिस ये होता किसकी वजह से है, बीमारी इसके नाम से ही रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का भी नाम है, ट्रिप्नोसोमा इसकी वजह से होता है। और ये होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इस बीमारी को हम स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ओके ट्रिप्नोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है, फिर उसके बाद आपको अलग अलग नौजिया होता है, और ट्रिप्नोसोमियासिस है ये एक बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस किसकी वजह से होता है, लीशमैनिया की वजह से होता है, लीशमैनियासिस, ठीक है ना। लीशमैनियासिस किसकी वजह से होता है, लीशमैनिया की वजह से होता है ओके। और इसमें होता क्या है, स्किन सोर्स मतलब आपके स्किन में छाले पड़ते हैं, ठीक है ना, और स्प्लीन का इनलार्जमेंट होता है, स्प्लीन इनलार्जमेंट। अगर आपको लीशमैनिया नाम की पैरासाइट ने अगर आपको अटैक किया है तो आपको लीशमैनियासिस नाम का डिसीज़ होगा। और क्या होगा, जब ऐसा डिसीज़ पकड़ेगा आपको तो आपके स्किन में सोर्स मतलब आपके स्किन में आपको छाले दिखने लगेंगे, तो आपके स्किन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसको आप फोड़ा बोलते हैं, या आपके स्किन में होने लगेगा, साथ ही साथ स्प्लीन इनलार्जमेंट। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन आपका ब्लड बैंक होता है, जो आपके स्टमक के पीछे एक छोटा सा ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, उस पर इनलार्जमेंट होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लास्ट, मलेरिया बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होता है, कौन से पैरासाइट की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। और इसमें क्या होता है, मलेरिया में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, लोग मर भी जाते हैं मलेरिया से कभी कभी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये एक फर्स्ट वीडियो था बीएससी के टॉपिक से रिलेटेड, आगे चल के हम हर एक डिसीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम जियार्डिया लैम्ब्लिया स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।